बेटमा में वैक्सीन महाअभियान के अंतर्गत आज से शुरू हुए अभियान को बेटमा ने शाम 5 बजे तक ही पूरा कर लिया। हालांकि शुरुआत में बारिश की वजह से रुकावट आई, लेकिन मौसम खुलते ही इसमें तेजी आई। बेटमा नगर में वैक्सीनेशन के लिए बड़े स्कूल और गुरुद्वारा साहिब सहित 4 केंद्रों पर वैक्सीन डोज लगाने के लिए केंद्र बनाए गए थे। केंद्र को आकर्षक रूप से सजाया भी गया था। वहीं इन 4 केंद्रों पर 1600 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, जिसे शाम 4 बजे ही पूरा कर लिया गया। लक्ष्य के 100 आंकड़ा होने के बाद अतिरिक्त संख्या में वैक्सीन डोज बाहर से मंगवाए गए हैं। कुल मिलाकर सोमवार को हुए इस महावैक्सीनेशन अभियान में 1910 लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। 21 जून जो वैक्सीनेशन महाउत्सव के उपलक्ष्य में आज पूरे देपालपुर नगर में जो है 61 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें कि बेटमा नगर में हमारी 4 साइट जो है चल रही थी। और इस 4 साइट में कुल जो हम लोग को शुरुआती सुबह में टारगेट दिया गया था वो 1200 डोज का था, जिसको कि हमने शाम 4 बजे तक बढ़ा के अभी तक कुल 1860 वैक्सीन जो है हम लगा चुके हैं बेटमा में। और निरंतर जो है वैक्सीनेशन के और डोजेज जो हैं बाहर से बुलवाए जा रहे हैं। हमारा जो फोकल पॉइंट बेटमा का है, जो कि 6000 डोजेज यहाँ पर उपलब्ध थे, वो पूरा हमने सिस्टम में पुश कर दिया है। और अभी फोकल पॉइंट में जो वैक्सीनेशन के जो 6000 डोजेज हैं वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और एक्स्ट्रा डोजेज हम लोग मैनेज कर रहे हैं धन्नट से या फिर देपालपुर से। तो और ये निरंतर आज शाम तक जो है, जब तक भीड़ हमारे पास लोगों की आती रहेगी, तब तक वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चालू रहेगा। और कहीं भी सेंटर में हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।